बलरामपुर प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के सेंधमारी करने वाली संस्था क्रिएटिव कंसोर्टियम के 3 कर्मियों व 4 लाभार्थियों को नगर एवं उतरौला कोतवाली की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए कर्मचारी अर्धनिर्मित मकानों के साथ पूर्व से निर्मित मकानों पर फर्जी जियो टैगिंग कर लाभार्थियों को अनुचित लाभ दिलाकर सरकारी धन की बंटर बांट कर रहे थे। नगर कोतवाली पुलिस द्वारा पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान गोरखपुर के थाना खोराबार के ग्राम बड़गो निवासी कार्तिक मोदनवाल, थाना गोरा चौराहा के जैतापुर निवासी विजय कुमार यादव, बलरामपुर नगर के मोहल्ला गदूरहवा निवासी मोहम्मद वशीक, मोहम्मद समीर के तौर पर हुई है। बलरामपुर में क्रिएटिव कंसोर्टियम जो कि लखनऊ से एक संस्था है, जिसे कि शहरी आवास योजना में चेक करने का दायित्व मिला था, उसी के द्वारा दिए गए तहरीर पर जनपद बलरामपुर के 4 पंचायतों में, बलरामपुर, उतरौला, पचपेड़वा और तुलसीपुर में अभियुक्त पंजीकृत किया गया है कि इन आवासों में फर्जी जियो टैग लगाकर भुगतान किया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस विवेचना कर रही है और आज 2 मुकदमे जो कि बलरामपुर नगर पालिका के और साथ में उतरौला नगर पालिका के हैं, इन मुकदमों में कुल 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। यहाँ आपको बताना चाहते हैं, इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि किसी दूसरे खाली लैंड का जियो टैग लोग कर देते हैं जहाँ मकान बनना होता है, फिर किसी दूसरे स्थान पे जहाँ अर्धनिर्मित मकान बना हुआ होता है वहाँ का जियो टैग कर देते हैं, फिर किसी तीसरे पूर्ण निर्मित मकान का जियो टैग कर देते हैं और इस तरह से जियो टैगिंग करने में ये लोग फर्जीवाड़ा करते हैं। और साथ में कुछ ऐसे भी उदाहरण दिखे हैं कि जहाँ पर मकान पहले से बना हुआ है और